जय हिंद बच्चों, आज हम ट्वेल्थ का 7th चैप्टर इंटीग्रल पढ़ेंगे। इंटीग्रल बच्चों को ये चैप्टर बहुत टफ लगता है, लेकिन जब हम छोटी क्लासेस में फैक्टर पढ़ते हैं, कौन सा मिडिल टर्म ब्रेक करने वाला, तो उसमें हमें शुरू शुरू में समझ में नहीं आता है कि हमें क्या चीज़ को ब्रेक करना है, कि कैसे फैक्टर करने हैं। लेकिन हम जब धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हैं तो वो हमें बन जाता है। ऐसे ही इंटीग्रेशन में यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपको आसानी से बन जाएगा। तो चलिए अपन पढ़ते हैं इंटीग्रेशन। चलिए अपन पढ़ते हैं इंटीग्रल्स यानी समाकलन। और इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन इज़ द इनवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन। अब इंटीग्रल को अपन दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है इंडेफिनेट इंटीग्रल और एक होता है डेफिनेट इंटीग्रल, है ना। इंडेफिनेट इंटीग्रल को अनिश्चित समाकलन कहते हैं और डेफिनेट इंटीग्रल को निश्चित समाकलन कहते हैं। अब आप इसे पहचानेंगे कैसे? तो आप देखिए, जो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन होता है, पहली बात तो सबसे पहले इसका सिंबल होता है, इंटीग्रेशन का सिंबल एस की तरह होता है, और इसे हम किससे डिनोट करते हैं? हमेशा आई से। और यदि हम इसमें एफ ऑफ एक्स डी एक्स कर रहे हैं तो ये इसकी जो भी वैल्यू आती है वो क्या कहलाती है? आपकी इंटीग्रल, ठीक है, इंटीग्रेशन। और आप अब निश्चित समाकलन को कैसे पहचानोगे? तो यदि उसमें हमें लिमिट दी हुई है कि ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, तो हमें पता चल जाएगा कि वह निश्चित समाकलन है। अब इसके बाद एफ ऑफ एक्स डी एक्स की जो भी वैल्यू आएगी वो हमारी कहलाएगी इंटीग्रल। अब आप देखते हैं अपन कि इंटीग्रेशन करने के लिए पहले सबसे इंटीग्रेशन के कुछ फार्मूले होते हैं, और इंटीग्रेशन के आंसर में हमेशा प्लस सी लगाया जाता है, जो भी इसकी वैल्यू आती है। मान लीजिए एफ एक्स डी एक्स है, इसका आंसर आएगा एफ एक्स प्लस सी। तो इसमें हर आंसर में आपको सी लगाना कंपलसरी है। क्यों? इसका मैं आपको रीज़न देते हैं। अपन देखते हैं कि यदि मान लीजिए, सबसे पहली बात तो इंटीग्रेशन मैंने क्या बताया कि इंटीग्रेशन इज़ द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। यदि मान लीजिए एक्स का आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं या डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो वो कितना आएगा? 1। और फिर यदि आप वापस उसका एंटी डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो एक्स का इंटीग्रेशन हमेशा कितना होता है? एक्स, है ना। अभी हम फार्मूले में आपको दिखा रही हूँ, तो वो फार्मूले आपको सारे लर्न करने होंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है कि हर आंसर में आपको प्लस सी क्यों ऐड करना है। तो प्लस सी ऐड करने के लिए मान लीजिए आपके पास डी आर डी एक्स एक्स क्यू निकाल रहे हैं तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा? 3x स्क्वायर, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं अपन, डी आर डी एक्स यदि निकालते हैं एक्स क्यू प्लस 5 तो इसका भी डेरिवेटिव कितना आएगा? 3x स्क्वायर। फिर आप निकालते हैं डी आर डी एक्स एक्स क्यू प्लस सी तब भी इसका कितना आएगा? 3x स्क्वायर, क्योंकि कांस्टेंट टर्म जो भी होती हैं उसका डेरिवेटिव हमेशा 0 हो जाता है। अब हम आते हैं, तो यदि मान लीजिए मुझे इंटीग्रेशन करना है, किसका? एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? 3x स्क्वायर का मुझे इंटीग्रेशन करना है तो कितना होगा? 3x स्क्वायर प्लस 1 2 प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा आपका? 3x क्यू प्लस 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ गया आपके पास? एक्स क्यू। और अपन बोल रहे हैं कि हम आंसर में प्लस सी ऐड करते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना आया हमारा? एक्स क्यू प्लस सी। और एक्स क्यू का डेरिवेटिव भी 3x स्क्वायर था, एक्स क्यू प्लस 5 का डेरिवेटिव भी 3x स्क्वायर था, एक्स क्यू प्लस सी का डेरिवेटिव भी 3x स्क्वायर था। तो जो भी हमारी कांस्टेंट टर्म आ रही वो जीरो भी हो सकती है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म हमारी जीरो भी हो सकती है। इसलिए हम इंटीग्रेशन के हर आंसर में, क्योंकि अनिश्चित समाकलन है, इसलिए हम इसमें प्लस सी ऐड करते हैं। अब आपको मैं फार्मूले दिखा रही हूँ, वो फार्मूले आपको लर्न करने हैं, इसके बाद अपन एक्सरसाइज पर आते हैं और उसके टाइप ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ते हैं। तो अनिश्चित समाकलन के आपके ये फार्मूले हैं।
प्रॉपर्टी ऑफ इंडेफिनेट इंटीग्रल, प्रॉपर्टी फर्स्ट है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर इनवर्स फोर्सेस ऑफ ईच अदर सिंस डी ऑफ डी एक्स कैपिटल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स एंड एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी वेयर सी इज एनी आर्बिट्री कॉन्स्टेंट. लेट अस नाउ प्रूव दिस स्टेटमेंट. मैं ये आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ. फिर प्रॉपर्टी सेकेंड है टू इंडेफिनेट इंटीग्रल हैविंग द सेम डेरिवेटिव हैव द सेम फैमिली ऑफ इंटीग्रल्स ऑफ कर्व्स एंड देयर फोर दे आर इक्विवेलेंट. प्रॉपर्टी थ्री में आता है अपना देयर इज एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स ब्रैकेट में प्लस जी ऑफ एक्स डी एक्स. तब इसको हम अलग अलग प्लस में सेपरेट कर सकते हैं एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस जी ऑफ एक्स डी एक्स. फिर इसकी प्रॉपर्टी फोर है फॉर एनी रियल वैल्यू आप पी के लिए हमेशा यदि इंटीग्रेशन आप पी एफ ऑफ एक्स डी एक्स होता है तो जो भी कॉन्स्टेंट टर्म है वो हमारी बाहर आ जाती है पी इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो जाता है. प्रॉपर्टी फाइव में फॉर अ इनफाइनाइट नंबर ऑफ फंक्शन कितने भी इनफाइनाइट नंबर ले सकते हैं और उसमें कितने भी इनफाइनाइट हमारे पास रियल नंबर्स हो सकते हैं. तो ये आपकी हो गई प्रॉपर्टी नंबर फाइव. फिर अब पढ़ेंगे हम मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन. तो सबसे पहले मेथड ऑफ इंटीग्रेशन उसमें पहले आएगा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. तो अब मैं सबसे पहले आपको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन समझाती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा. चलिए बच्चों अब अपन सबसे पहले इंटीग्रेशन की जो मैंने आपको स्लाइड चलाई उसमें जो फार्मूले थे ये क्वेश्चन आपके फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन है. इसके बाद फिर अपना आएगा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन. जो मेथड आप सब्स्टिट्यूशन बताइए उसमें फर्स्ट होती है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन. चलिए अब अपन साइन टू एक्स आई इज इक्वल टू साइन टू एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं. ठीक है तो अब मैं आपको बाजू में फार्मूले भी बताते जा रही हूँ. साइन एक्स डी एक्स होता है हमारा माइनस कॉस एक्स प्लस सी के. अब यहाँ पर देखिए जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको इसको पूरा x ही लेना है. साइन 2x का इंटीग्रेशन आप क्या लिखेंगे माइनस कॉस 2x और 2x का डेरिवेटिव क्या होता है यदि 2x का डेरिवेटिव निकालोगे तो 2 आएगा वो हमेशा आपका डिवाइड में आएगा और आंसर में हमेशा प्लस सी ऐड किया जाता है. ये आपका फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हो गया. सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं आई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर. इसमें कौन सा आइडेंटिटी लगेगी आपकी x की पावर n dx. ये आपको फॉर्मूले पीपीटी में चल चुके हैं n प्लस वन प्लस सी जो भी पावर होती है उसको हम उसमें वन ऐड कर दिया जाता है डिनोमिनेटर में वन ऐड कर दिया जाता है. तो i इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी टू प्लस वन टू प्लस वन और प्लस सी. फिर आपको ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव क्या आएगा x का वन हो जाता है डिफरेंशिएशन कॉन्स्टेंट टर्म का जीरो हो जाता है तो कितना बचेगा a. उसको हमेशा डिवाइड में लिखना है इंटीग्रेशन में. तो i इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास ए एक्स प्लस बी की पावर थ्री और टू और वन कितना हो गया थ्री ए प्लस सी. थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम. थर्ड क्वेश्चन है हमारा साइन टू एक्स माइनस फोर ई की पावर थ्री एक्स डी एक्स. तो यहाँ पे जो अपन ने प्रॉपर्टी पढ़ी है उनका भी यूज़ होगा कि यदि हम करने में या माइनस करने में कोई भी दो फंक्शन आते हैं तो हम उनको अलग अलग इंटीग्रेशन में लिख सकते हैं. साइन टू एक्स डी एक्स हो जाएगा माइनस फोर ई की पावर थ्री एक्स डी एक्स. जो प्रॉपर्टी में बताया था कॉन्स्टेंट टर्म बाहर आ जाती है. अब इसके बाद साइन को टू एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस टू एक्स और टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा टू तो टू हमेशा डिवाइड में आएगा माइनस फोर ई की पावर थ्री एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर थ्री एक्स होगा और थ्री एक्स का डेरिवेटिव क्या है थ्री वो हमेशा डिवाइड में आएगा एंड देन हर आंसर में प्लस सी लगाना कंपल्सरी है. अब हम आते हैं इसका फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं. फोर्थ क्वेश्चन में दिया है एक्स क्यू डी एक्स. अब आप यहाँ पर देखिए इसको आई से डिनोट करिए. यहाँ से अब आपके पास अभी डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर वाला कोई फार्मूला नहीं है तो आप इसमें सबसे पहले देखिए कामन निकालिए. तो एक्स स्क्वायर कामन निकल रहा है तो यहाँ आ गया एक्स माइनस वन. यहाँ कुछ कामन नहीं निकल रहा है तो वन कामन निकालेंगे हम. नीचे चल रहा है एक्स माइनस वन
dx. अब इसको हम आसान करते हैं आगे. तो I इज इक्वल टू, आप देखिए इन दोनों में से x माइनस वन, एक्स माइनस वन कामन निकल रहा है, x माइनस वन हमारा कामन निकल रहा है. तो नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या बच रहा है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वन, और नीचे कितना चल रहा है, x माइनस वन dx. तो x माइनस वन से x माइनस वन कैंसिल हो गया, तो आपके पास कितना बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस वन dx. अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर dx प्लस वन को dx. अब यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, जो भी पावर है उसमें वन ऐड हो जाता है. ये सब फॉर्मूले लिखा चुके हैं अपन. dx का इंटीग्रेशन हमेशा x होता है, आंसर में प्लस c लगाना है. तो ये हो गया एक्स क्यू अपान थ्री प्लस एक्स प्लस सी. चलिए अब अपन पढ़ते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन. यदि हमारे पास डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं होता है तो हम उसको देखते हैं कि वह कैसे सब्स्टिट्यूशन द्वारा सॉल्व हो सकता है. तो जैसे देखिए पहला क्वेश्चन है 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx. अब यहाँ पर इसको I से डिनोट करते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं जिसको भी आपको सब्स्टिट्यूट करना है उसको हमने लिखा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी. जिसको भी हमने टी किया है, टी लाइट किया है, उसका हमें डिफरेंशिएशन करना है या डेरिवेटिव निकालना है. तो 1 का डेरिवेटिव 0 होता है प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और टी का एक्स के रिस्पेक्ट में डी टी बाय डी एक्स. अब हम देखते हैं 2x dx मिल रहा है, dx इस तरफ आ जाएगा, dt इस तरफ चला जाएगा. वापस क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान से देखिए 2x dx को आप क्या लिख सकते हैं, dt, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, t. तो अब 1 अपान टी डी टी, या आपको फार्मूला याद होना चाहिए dx अपान x इंटीग्रल्स किसके बराबर होता है, log x प्लस c के. तो ये हो जाएगा आपका log t, क्योंकि t में फंक्शन है आपका, प्लस c विल log t की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी. ये आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया. चलिए बच्चों हम नेक्स्ट थर्ड वाला देखते हैं. थर्ड में दिया हुआ हमारे पास x dx, ठीक है. अब हम 1 प्लस 2x स्क्वायर को ये पुट कर रहे हैं, 1 प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू टी. आप जिसको भी टी पुट करेंगे उसका डिफरेंशिएशन करना है. 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया, 2 एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और इसका हो जाएगा डी टी बाय डी एक्स. अब हमें यहाँ पर x dx चाहिए, क्वेश्चन को देखिए x dx चाहिए. तो x यहाँ पे हम dx ले आते हैं और ये हो गया डी टी, 2 2 4 4 हमारा डिवाइड में चला जाएगा. वापस क्वेश्चन पे आते हैं, x dx, इस x dx पूरे की वैल्यू क्या मिल रही है आपको, डी टी बाय 4 और अंडर रूल इतना 1 प्लस 2x स्क्वायर को आपने कैलकुलेट किया है t. यहाँ पे आ जाएगा, जब 1 बाय 4 को बाहर कर देते हैं, t की पावर 1 बाय 2 डी टी हो गया, 1 बाय 4 t की पावर 1 बाय 2 प्लस 1, 1 बाय 2 प्लस 1 और आंसर में प्लस c होता है. ये हो गया 1 बाय 4, इसको सॉल्व करोगे 3 बाय 2, ठीक है. अब इज इक्वल टू, यहाँ से इसको कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4, तो ये कितना आ गया, 2 3 6 और t की पावर 3 बाय 2 प्लस c इक्वल टू 1 बाय 6 टी. टी की वैल्यू रख देंगे हम, t की वैल्यू है 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर 3 बाय 2 प्लस c, ये इसका आंसर. चलिए अपन अब फोर्थ वाला लिखते हैं. फोर्थ में है एक्स ई एक्स एस टू दी पावर एक्स स्क्वायर, इसको हम आई से डिनोट करते हैं, एक्स ई एक्स स्क्वायर डी एक्स. अब आप यहाँ पे पुट करिए, अपन ने एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा, डेरिवेटिव होगा 2x, ये होगा डी टी बाय डी एक्स. आपको एक्स डी एक्स चाहिए, डी एक्स इस तरफ आ गया, डी टी बाय 2, एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या मिल गई आपको, डी टी बाय 2. यहाँ एक्स डी एक्स की जगह पे डी टी बाय 2,
यहाँ आ गया ई, एक्स स्क्वायर को आपने टी पुट किया है, फिर 1/2 ई की पावर माइनस टी डी टी हो जाएगा, 1/2 ई की पावर माइनस टी, और टी का डेरिवेटिव कितना होगा, -1, तो -1 नीचे आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा -1/2 ई की पावर माइनस टी प्लस सी, -1/2 ई की पावर टी की वैल्यू पुट कर देंगे, टी की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये आपका आंसर है। चलिए अब अपन इसका सेकेंड टाइप पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। अब पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब होता है कि जो भी हमारे डिनोमिनेटर में जो भी फैक्टर आ रहे हैं उनको हम कैसे अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं। तो इसमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी होता है और एक प्रॉपर फ्रैक्शन भी होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वह फ्रैक्शन होता है जिसमें डिनोमिनेटर की पावर ग्रेटर होती है डिनोमिनेटर से, और यदि कभी भी हमको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिलता है तो उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर हल करते हैं। लेकिन यहाँ पर यह हमें प्रॉपर फ्रैक्शन में ही मिल रहा है, इसलिए हम इसको कैसे हल करेंगे, तो ध्यान से देखिए। इसको हल करने का तरीका होता है, पहले आपको जो भी फंक्शन दिया है उसको आप इस तरफ लिखेंगे, x+1 x+2। यदि आपको लीनियर फैक्टर मिल रहे हैं तो ये मैंने आपको PPTs में इसकी सारी प्रॉपर्टी में फॉर्मूले हैं वो PPT में डाले हुए हैं, तो उससे आप देख लीजिएगा। यहाँ पर हो गया ax+1 + bx+2। अब यहाँ पे x x+1 x+2, इसका आपका LCM लेना है, तो x+1 x+2, ए के साथ क्या चला जाएगा आपका x+2, बी के साथ आपका क्या जाएगा x+1, और आपका LCM हमेशा कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हुआ x, फिर आप अंदर इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, ax+2a + bx+b। अब इसमें आप x के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, तो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x है ना, कंपेयरिंग, तो x का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे a, यहाँ x का कोफिशिएंट b, और इक्वल टू के इधर x का कोफिशिएंट कितना है 1। फिर क्या कर दोगे, कंपेयरिंग, यदि आप कांस्टेंट टर्म ले रहे हैं तो कांस्टेंट टर्म मतलब जिसमें x नहीं है, तो 2a+b, और यहाँ पर x कांस्टेंट टर्म नहीं है तो इसलिए इक्वल टू में कितना आ जाएगा 0। अब इन दोनों को आपको सिंपल एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं अपन, कितना आया 2a+b = 0, सबट्रैक्ट कर देते हैं -a = 1, तो a की वैल्यू कितनी मिल गई आपको -1, इसको इसमें पुट कर देते हैं, a+b = 1, e की जगह पे -1 रख देते हैं, तो b की वैल्यू क्या मिल रही है 1+1, तो b की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 2। अब वापस क्वेश्चन पे आते हैं, हम इस पूरी टर्म को आप ये लिख सकते हैं, तो हम लिख रहे हैं a dx। अब आप यहाँ पर a की वैल्यू रख दीजिए, a की वैल्यू आई है आपके पास -1 x+1 dx प्लस b की वैल्यू आई है आपके पास 2x+2 dx। अब यहाँ पर देखिए आप, ये कितना हो गया आपका -log x+1, फिर ये हो गया 2log x+2 और n+c, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, -log x+1 + 2log x+2 + c, ये आपका आंसर। चलिए अब हम देखते हैं ये कौन सा फ्रैक्शन हो गया हमारा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर लेस देन है न्यूमरेटर से। अब यहाँ पर आते हैं हम, जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो मैंने बोला था इसको हमें प्रॉपर फ्रैक्शन में हल करना पड़ेगा, तो सबसे पहले देखते हैं कैसे चेंज किया जाता है, x³ + x+1, यहाँ पर आ गया x²-1। अब यहाँ पर आप डिवाइड करेंगे सिंपल, तो x से देना पड़ेगा, x³ - कितना हो गया x, यहाँ हो गया -+, ये कैंसिल हो गया, x x ऐड होके 2x+1।
इसको अब आप कैसे नोट कैसे लिखा जाता है हमेशा आपको पता है, सबसे पहले एक्स, फिर प्लस लगा दीजिए, फिर जो आपका रिमाइंडर आया वो ऊपर जाएगा, 2x + 1 x² - 1 dx। अब वापस आते हैं इस पर, ये हो गया आपका एक्स डी एक्स, इसको अलग कर लेते हैं प्रॉपर्टी से, ये हो गया आपका 2x + 1 x² - 1 को आप प्रॉपर्टी से ब्रेक कर सकते हैं x - 1 x + 1 dx। अब आपको यहाँ पर दिख रहा है ये आपका फिर से पार्शियल हो गया, पार्शियल फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन से सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसको हम इस तरफ लेते हैं फिर से, तो यहाँ पे आ गया 2x + 1, आपके पास आ गया x - 1 x + 1, इसको आप a x - 1 + b x + 1 की फॉर्म में लिखेंगे, फिर हम इसका एलसीएम लेते हैं, तो 2x + 1 ये हो गया x - 1 x + 1, यहाँ एलसीएम लिए तो क्या आया x - 1 x + 1। अब आपका ये हो जाएगा a के साथ आएगा x + 1 + b के साथ आएगा x - 1, यहाँ पे ये एलसीएम हमेशा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ गया 2x + 1 ax + a bx - b। अब कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x, तो कितना आ गया देखिए a + b = 2। कंपेयरिंग द कॉन्स्टेंट टर्म, कॉन्स्टेंट टर्म कितनी होगी a - b = 1। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना आया 2a, क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं तो कितना आया यहाँ पे 2a = 3। a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 3/2। इसको आप किसी में भी पुट कर दीजिए फर्स्ट या सेकेंड इक्वेशन में, तो a + b = 2, तो b = 2 - a, b = 2 - कितना हो गया 3/2, या एलसीएम लोगे तो 2 × 2 = 4 -3/2 मतलब कितना आ गया आपका 1/2। वापस क्वेश्चन पे आते हैं, i = x का इंटीग्रेशन x dx + इतनी पूरी टर्म को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो कितना आ गया आपका a x - 1 + b x + 1 dx। इसका इंटीग्रेशन x^1 + 1 जो पूरा अपने पुराने फॉर्मूले उस बेस से हो जाएगा, a की वैल्यू पुट कर देते हैं, a की वैल्यू कितनी आई है 3/2 dx x - 1 + b की वैल्यू कितनी आई है आपके पास 1/2 dx x + 1, ये कितना हो गया x² / 2 + 3/2 log mod x - 1 + 1/2 log mod x + 1 + c, ये आपका आंसर। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ें, तो इसका आप पहले सबसे पहले फार्मूला मैं PPT में बता चुकी हूँ, पर फिर भी अपन देखते हैं इसका फार्मूला। आपके पास यदि u और v दो फंक्शन है तो उसका इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, फिर डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन और फिर होल का dx, ये आपका फार्मूला है। इसको अप्लाई करेंगे अपन, इसको फर्स्ट फंक्शन लेते हैं, इसको सेकेंड, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन और फिर होल का dx। आप i = x, साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है -cos x, फिर ये इंटीग्रेशन, अब ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, x का डिफरेंशिएशन 1, साइन x का इंटीग्रेशन -cos x और ये बाहर वाला dx, तो ये कितना हो गया आपका -x cos x -, कितना हो गया +cos x dx, ये हो गया आपका -x cos x, cos x का हो गया sin x + c।
इसको देखते हैं। अभी लॉग एक्स को हमेशा फर्स्ट फंक्शन दिया जाता है क्योंकि लॉग एक्स का हमारे पास इंटीग्रेशन नहीं होता है, इसलिए लॉग एक्स को फर्स्ट फंक्शन दिया जाता है और एक्स को हम यहाँ पर सेकेंड फंक्शन देंगे। अब देखिए फार्मूला लगाते हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन फिर डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन फिर होल का डी एक्स। अभी हो गया लॉग एक्स का होल स्क्वायर, एक्स का हो गया एक्स स्क्वायर बाई टू, अंदर का ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो पहले इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, डिफरेंशिएशन टू लॉग एक्स और लॉग एक्स का वन अपान एक्स, और एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई टू और बाहर का डी एक्स। अब यहाँ पर देखिए इस टू से टू कट गया, इस एक्स से यह एक्स कट गया, तो क्या बचा आपके पास लॉग एक्स का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू। अब आपके पास बचा लॉग एक्स इंटू एक्स डी एक्स, आपको फिर से इसको फर्स्ट फंक्शन इसको सेकेंड फंक्शन, ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स का होल स्क्वायर। इसमें फिर से फार्मूला लगेगा, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन फिर डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन फिर होल का डी एक्स। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर बाय टू लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं लॉग एक्स, एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस माइनस प्लस हो गया, ये इंटीग्रेशन अंदर का ब्रैकेट हम साफ कर रहे हैं, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपान एक्स और एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय टू डी एक्स। इस एक्स से ये एक्स कैंसिल हो गया, अब यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय टू लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू लॉग एक्स प्लस, अब यहाँ एक्स डी एक्स बचा है तो वन बाई टू बाहर कर देते हैं, इसका फिर से हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। अभी लास्ट में हमारा आंसर आ गया एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स प्लस, ये हो गया वन बाय फोर एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये आपका आंसर। तो हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन के तीनों टाइप्स पढ़े, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, है ना। तो वो आप धीरे धीरे हम आपको आगे बताते हैं, आप इतने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिए। थैंक यू, जय हिंद बच्चों।